रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप आप सब ठीक हैं। आज की जो हमारी रेसिपी है वो है आलू चिकन का शोरबा, आलू चिकन शोरबा। और मैंने कहा क्यों ना शेयर की जाए आपके साथ, ये रेसिपी इजी है, क्विक है, आधे पौने घंटे में इजीली बन, चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए। चले आए शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो। आलू चिकन के लिए जो अज्जा है वो है सबसे पहले प्याज लिया मैंने दो, लहसुन मैंने दो कट्टियाँ लेनी थी छील ली है, और टमाटर मैंने चार लेके ब्लेंड कर लिए थे, और चिकन मैंने आधा किलो लिया। अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डालेंगे प्याज संडिया में, और लहसुन डालेंगे साथ, और उसके ऊपर डालेंगे घी। एक घी मैंने डाल लिया इस पर, और अब ये फ्राई होगा, यानी कि जब लाइट ब्राउन हो जाएगा तो अब हम इसको फिर ब्लेंड कर लेंगे प्याज और लहसुन। ये जो प्याज है वो लाइट ब्राउन हो गए, अब हम इसको ब्लेंड करेंगे। प्याज ब्लेंड हो गया, अब हम इसको हिंडिया में डालेंगे। हम मसाला जार डालेंगे, नमक डेढ़ चम्मच, लाल मिर्च भी एक चम्मच डालेंगे, और हल्दी एक टीस्पून। अब हम इसका जो पानी है वो ड्राई करेंगे, और फिर हम इसमें चिकन डाल के भूनेंगे। अब हम इसमें डालेंगे चिकन और भून के मसाला, चिकन डाल दिए, अब हम इसको भूनेंगे, फिर बाद में इसके ऊपर हम टमाटर डालेंगे। चिकन भुन गया जब मैंने डाला था ना मसाले के ऊपर, तो मैं वो भुन गया था, अब इसमें हम टमाटर डालेंगे। मैंने ब्लेंड किया था टमाटर, वो मैं डालूँगी। अब इस ये डाल के भुनेंगे हम। अब इसका पानी ड्राई करना है हमने। चिकन भुन गया है तो अब हम इसमें आलू डाल के भुनेंगे, और कुकर पे रख देंगे हम। आलू है मैंने डाली, अब हम इसको भुनेंगे हम इसको अच्छी तरह एक से दो मिनट। आलू भून के अब हम इसमें पानी डाल लेंगे, शोरबा बनाएंगे इसका साथ। पानी हमने डाल दिए तो हम इसको दम पे रख देंगे आलू गलने तक। आलू गल चुके हैं, आलू शोरबा तैयार है। अब हम इस पर डालेंगे धनिया हरी मिर्च, धनिया गार्निशिंग के लिए। आलू शोरबा बनके तैयार है, आप इसको एंजॉय कर सकते हैं चावल या ब्रेड के साथ।